Question number 36. Question statement reads, a stone is projected from a point O on the horizontal plane, making an angle 45 degree as shown in figure. It attains a maximum height 100 meter. Dekho, angle of projection is 45 degree. So this is the case of maximum range. And R max is 4 times the maximum height. And here the maximum height H is 100 meter. So range is your 4 times the height, that is 400 meter. Now, height of the point, wo point ka height nikalo. When the ball is at distance 300 meter from the point O. तो जो पॉइंट ओ से 300 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब x इज इक्वल टू जब 300 है तब वो पॉइंट का हाइट निकालो y. तो इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, y का इक्वेशन आप लोगों को पता है, x tan theta into 1 minus x by r, पोजीशन x कोऑर्डिनेट और रेंज के फॉर्म में y का इक्वेशन. ये इक्वेशन आता है तुम्हारा वो जो जनरल इक्वेशन होता है ना, x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते तो ये इक्वेशन आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन की जरूरत है यहाँ तक की. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज x, x इज 300, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज 1, tan 45 1 हो गया, 1 माइनस x हाउ मच 300, व्हाट इज r 400, पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, द आंसर कमिंग आउट टू बी 75 मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 37. Question statement reads, a particle moves in the xy plane from origin having instantaneous velocity 2y cap plus 4xj cap. The equation of the path is, equation of the path means you have to find the relationship between y and x. So, once x component of velocity given hai aapka, vx, vx is 2 and vx is your dx by dt. So, dx by dt is 2. That implies dx is equal to 2dt, and if you integrate it 0 to x and 0 to time, then you will find x is equal to 2t. Similarly, y component of velocity is given, that is 4x, and this is dy by dt. Put the value of x here, this will be 8t, x is equal to 2t put kiya maine yahan se, so that implies dy equal to 8t dt. Integration karo 0 se t or ye 0 se y. So that implies y is equal to 8t square by 2 or that is 4t square. Again t ka value maine yahan se substitute kiya x by 2. So 4 into x square by 4, 4 4 cancel ho gaya, y is equal to x square. So this is the equation of the trajectory of the particle or equation of the path of the particle. So correct option is option number 4. Question number 38. Question statement reads, a projectile is projected with velocity v at an angle theta with horizontal. The magnitude of radial acceleration of projectile is. थोड़ी देर पहले question में बता रहा था मैं कि radial acceleration means जो centripetal acceleration होता है, और centripetal acceleration हमेशा velocity को normal होता है. तो आज पर तो question, projectile को मैंने v velocity से फेंका और ये ऐसे उसका path है. तो जो ग्राउंड ए से हाईएस्ट पॉइंट बी तक जा रहा है पहले, फिर बी से लोएस्ट पॉइंट सी तक, तो यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और जैसे जैसे ऊपर जाता है प्रोजेक्टाइल, आप लोगों को याद है एंगल उसका घटता जाता है. तो एक इंस्टेंट आया यहां पे, सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा, और जैसे ऊपर जाता है तुम के तो अल्फा डिक्रीज होता है. ग्राउंड पर हाईएस्ट थीटा, अल्फा घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पे होता है जीरो, एंड हाईएस्ट पॉइंट से जैसे नीचे आता है बी से सी, अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाता है, ए टू बी जाता है, तो ये थीटा टू जीरो तक जाता है, बट इट, और बी टू जब सी को जाता है सो ये जीरो से थीटा तक जाता है, वहां पे अल्फा इंक्रीजिंग होता है. और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये डायरेक्शन पे है, टेंजेंट टू द पाथ होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड फॉर द प्रोजेक्टाइल. तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तुम्हारा, तो जी का जो नॉर्मल कंपोनेंट टू द वेलोसिटी ये नॉर्मल हो गए, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, क्योंकि दिस टू एंगल्स आर 90 डिग्री और ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस टू एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री, दिस इज द कॉमन एंगल, दिस इज द कॉमन एंगल, सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा. तो जी का इधर वाली कॉम्पोनेंट हो गया आपका जी कॉस अल्फा, एंड जी का इधर वाली कॉम्पोनेंट जो होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में वो आएगा आपका जी साइन अल्फा.
तो प्रोजेक्टाइल का कोई भी पॉइंट पे, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन का एक्सिलरेशन को टेंजेंशियल एक्सिलरेशन कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन अगर पूछा होता तो वो होता जी साइन अल्फा, लेकिन वेलोसिटी का नॉर्मल डायरेक्शन जो सेंट्रिपिटल डायरेक्शन होता है और रेडियल डायरेक्शन होता है वो होता है जी कॉस अल्फा। तो अभी रेडियल के बारे में पूछ रहा है तो हम टेंजेंशियल को छोड़ देते हैं, रेडियल के बारे में सोचते हैं। देखो ए टू बी जाते हो, अल्फा घटती है, अल्फा घटती है तो कॉस अल्फा बढ़ेगी, तो सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन और रेडियल एक्सिलरेशन बढ़ेगा। नाउ बी से सी जाओगे, अल्फा बढ़ेगी और अल्फा बढ़ता है तो कॉस अल्फा घटता है, तो सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन आपका घटेगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ मास, क्वांटिटी का डायमेंशन मास है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड स्क्वायर अपॉन 8π ε₀ इज, कौन सा होगा इनमें से। सब क्वांटिटी का वैल्यू लिखा है फिर से, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ई इज द चार्ज एंड ईप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहां पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ईप्सिलॉन नॉट, इनका डायमेंशन बहुत मुश्किल से आप लोग डिराइव करते हो, इसलिए इसे अगर कन्वेंशनल मेथड में ड्राइव करने की कोशिश करोगे प्रोपोर्शनैलिटी लगा के तो लंबा टाइम लगेगा, आप कर नहीं पाओगे। तो जब भी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज का रिलेशंस कहीं पे क्वेश्चन में दिखाई देता है तो आप लोग डायमेंशंस में हमेशा याद रखोगे एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज कनेक्टेड टू फोर्स एंड एनर्जी। तो फोर्स और एनर्जी इनकी रिलेशंस पे अगर ध्यान दोगे, हर चैप्टर में देखोगे हर क्वांटिटी को उनसे जोड़ा गया है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में अवेलेबल होता है, स्क्वायर बाई 8π ε₀ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अवेलेबल होता है, एफ ई इक्वल एफ जी, एफ ई स्क्वायर बाई 4π ε₀ डिस्टेंस स्क्वायर ग्रेविटेशनल, जी एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर भगा दो, इंप्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 4π ε₀ जी। और डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी नंबर को चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो m का डायमेंशन मैंने स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 8π ε₀ कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करूं तो कोई मना नहीं कर सकता, जी रेज टू द पावर हाफ, तो स्क्वायर अपॉन 8π ε₀ मेरे को दिया हुआ था ऑलरेडी, जी भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, देखो सी का कोई नामो निशान नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, सी रेस टू दावर जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स अ स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गज, अब लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर MSR, that is 10 mm, और 10 mm को 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 25th डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन इज 25, n इज 25, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50, सो यू नो द रीडिंग ऑफ द स्क्रू गज, तो स्क्रू गज एक्सपेरिमेंट आप लोग किए हो और वहां पे कैलकुलेट जब करते हो, तो रीडिंग x इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन मल्टीप्लाइड बाय द लिस्ट काउंट एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द एमएसआर हियर 1 सेंटीमीटर प्लस व्हाट इज द नंबर ऑफ डिविजन्स 25 एंड व्हाट इज द लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर सो इफ यू रीअरेंज दैट इज 1 प्लस 0.025 सेंटीमीटर और दैट इज इक्वल टू 1.025 सेंटीमीटर। यहां पे आपका नंबर ऑफ डिविजन्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको लिस्ट काउंट मेंशनड है और कोइंसिडेंस मेंशनड है, तो ये इक्वेशन में और कोई नंबर ऑफ डिविजन्स का यूज नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दे रखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3।